नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में बीते दिनों अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं को घसीटने व पत्रकार को पीटने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में ममता बनर्जी जब से आई उनका असर यहाँ पड़ा है। सरकार जब तब लाठीचार्ज कर रही है, गोली मार दे रही है। भागलपुर के भाजपा नेता शांति से अनशन पर बैठे थे और सामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। कई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया, यह कहीं से जायज नहीं है। पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पूरे मामले में वे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, यानी आप तुष्टिकरण किसी का मत कीजिए, न्याय सबके साथ कीजिए। और लेकिन जिस तरह पहले कहा गया, थाने में जब पता लगा, हमारे रोहित जी को भी हाजत में बंद किया हुआ था, महिला कार्यकर्ता को भी हाजत में बंद किया हुआ था। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, आप कह रहे हैं कि हाजत में बंद नहीं है, ये लोग तो हाजत में बंद हैं। उन्होंने कहा मैं चेक करके देखता हूँ। फिर संतोष जी वहाँ पे थे, मैंने इनसे बातचीत किया। मैं 24/7 कॉन्टेक्ट में था अपने कार्यकर्ताओं के, एक एक पल की जानकारी हमारे पास थी। मैं फिर पटना आया और कल कोर ग्रुप की बैठक थी, उसमें भी हम लोगों ने भागलपुर की स्थिति पर चर्चा की। लेकिन प्रशासन को साफ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं। हम लोग इस विषय को, प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, इसको उच्च स्तरीय लेवल पर उठाने का काम करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता पर मारपीट हुआ है, तो क्या पुलिस मारपीट करेगी तो उस पर केस नहीं हो, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुकदमा हो। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।